हे फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे मैं आपको बोलना चाहूंगा सबसे पहले एक बात कि जैसे जब मैंने ये जो पॉडकास्ट आया था द म्यूजिक पॉडकास्ट, उसमें किंग आया था और बहुत सारी मतलब एक मैं चीज़ बताऊँ ना, किंग कहीं पर भी जाते हैं ना तो पॉडकास्ट में बोलते 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 क्या बोल जाता है, जो दिल में आता है ना बोलते आता है, कुछ ना कुछ लफड़ा क्रिएट कर ही देता है। मतलब यार कुछ भी बोलता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो द म्यूजिक पॉडकास्ट में देख लेना, मत देखो कुछ मतलब भी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं मतलब है, टाइम वेस्ट है। बट आप लोगों के लिए मैंने देखा था खोटा भाई खोटा, कुछ भी बोलने लगे यार, मतलब क्या बोलते, उड़ता तीर लेना, फालतू गिरी यार, कुछ मतलब नहीं है, जबरदस्त है। मतलब यार तू जानता है कुछ नहीं है भाई, तू मचाया है, अच्छे सॉन्ग से तेरे सब कुछ तेरा ठीक ठाक काम करा है, लेकिन तू अपना काम कर और जो बड़े है तुमसे उसकी रिस्पेक्ट कर भाई। तू बेस्ट है, अगर तुम अपने फील्ड में बेस्ट हो, तुम बेस्ट से बेस्ट बन जाओ, तुम्हारी पहचान ही है कि तुम जो बेस्ट था या फिर जो लेजेंड है या फिर जो लेजेंड अभी भी है। मैं भी किंग और एमिवे के अलावा बात कर रहा हूँ। जब तुम टॉप पे पहुँचते हो, जो टॉप पे था या जो टॉप पे है, तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे। माइक टायसन और मोहम्मद अली का ले लो, मतलब माइक टायसन कितना बड़ा लेजेंडरी, मतलब यार वो मतलब क्या नेक्स्ट लेवल के बंदे थे, मतलब इतना बिल्ला फाइट वाइट करना, मतलब बॉक्सिंग में लेजेंड है वो। लेकिन जब अली के सामने, मोहम्मद अली के सामने जब उनका वो टाइम नहीं था, तो वो कितना रिस्पेक्टफुल, तो पहचान है कि मतलब कोई बंदा वाकई में वो है, समझ रहे हो, वाली चीज़ है, मतलब वो उस लेवल का है, तो वो दिखाएगा कि भाई उतना हम्बलनेस और फिर वो सामने वाले बंदे की भी रिस्पेक्ट वो दिखाता है। अरे खोटा खोटा भाई ने कुछ सीख नहीं लिया कि भाई सब आगे भिड़ के गए और किसका क्या हुआ, रफ्तार आया फालतू में पिट गया, खतरनाक वाला सीन हो गया। एमसी स्टैन के साथ में भी मतलब सवाल नहीं उठता, मतलब एमिवे है, उसके अलावा फिर जिसके साथ भी डिवाइन के साथ जितना हुआ बहुत पिटी पब्लिक, इतनी बिल्ली बिल्ली पब्लिक पिट गई जो बहुत खतरनाक किस्म के रैपर, डिवाइन कोई कम नहीं है, डिवाइन खुद यार सामने मतलब बज गई उसकी खतरनाक वाली। किंग कौन है यार तू, मतलब यार तू उस फील्ड का नहीं है, तो अच्छा गाना गाता है, अपने इधर गाता है, अच्छे अच्छे बस सुनते भी पब्लिक, हम लोग जो लोग बैठे इनमें भी कुछ लोग सुनते होंगे, मैं भी काफ़ी टाइम पहले कुछ सॉन्ग्स है बहुत मस्त मस्त आपको आ रहा होगा माइंड में क्लिक, वो सारे सॉन्ग अपन सुने उनके। लेकिन फिर ये भाई तू जहाँ तक है वहीं तक ना, मतलब तू किसी और को मतलब किसी और के फील्ड में घुसे कुछ भी बातें करेगा तो गलत ही था, मुझे लगा था इसमें शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है। यस, तो बोलते भाई आ गया शॉर्ट, तो देखते भाई क्या रिप्लाई है। तो मैं हमेशा सोचता थोड़ा टाइम लेके करूँ, क्योंकि भाई ने भी बोला कि मतलब यार रिएक्शन वाले व्यूज के लिए सबको व्यूज चाहिए, मैंने पहले ही बोला, लेकिन फट से घुस नहीं जाने का आराम से भाई, भाई के इसमें ऑर्गेनिक पता है ऑर्गेनिक लेते सिर्फ व्यूज ना, तो हो जाए तो उसके बाद साथ में भी देखना आप लोग। चलो ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई है, बाकी बातें करते देखेंगे समझेंगे और फिर करेंगे भी, और शायद बीच में थोड़ी बातें ज़्यादा नहीं करूँगा, बट स्टार्ट करता हूँ ठीक है। और मैं आपका दोस्त जुहान, स्टार्ट करते हैं एमबीवे बंटा इंडिपेंडेंट। सबसे पहले लाइक करेंगे और जंप करते हैं, और आप लोग बहुत प्यार दिखाते हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मेरी फैमिली के तरह, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है मेरे को बड़ी खुशी होती है, फैमिली को भी दिखाते हो अरे कुछ कर रहा लौंडा मतलब, ओके समझ रहे हो आप लोग। चलो भाई को सपोर्ट कर दे यार थोड़ा बहुत, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके when I made a choice okay to start singing, it was because of something that my father had told me, which was, you know, there's no rapper out there that sings and raps and does it well, does both things well. And he's like, in order to be successful, you're gonna need something other than just what everyone else is doing. 10 saal se relevant, sambhala pura game. 10 साल में 20 मिली, इसको बोलते फेम। 10 नंबर जर्सी, नो मर्सी, मेसी है। मई से स्टार्ट किए थे 2013 में, 2013 स्टार्ट किया, तो 10 साल में 20 मिलियन गेम। 10 में से 10 पूरा 10 साल शुरू हुआ, 11 भिड़ने आया छोटे 12, तेरा मेरा करना मैंने छोड़ा जब था 15, कुछ भी नहीं जम रहा 16, जवाब देने लगा मेरे साथ रहा, बुरे आदतें जो लाइफ से अब हट रहा। 19 पे अब 20s में 21 मिली बीकेपी जियो गार्डन कौन, इस सब के बारे में बात करेंगे ठीक है, होने दो ये समझ में आ रहा सबका मतलब, जाम पूरा बीकेसी, कुछ गाने न्यूक्लियर तो कुछ गाने टीएनटी, तू जिसके पीछे उसके लिए फोन है मेरा ऑन डीएनडी, डीएमबी चेक नहीं करता। चलो तो जिसके पीछे पड़ा है ना उस बंदू में मैं डीएनडी में रहता हूँ ठीक है, मतलब जब 12-13 का था तभी तो भिड़ आता सबसे, अभी सबसे भिड़ता भी नहीं है, धीरे 17-18 में समझ में आया फालतू खोटे कपड़े झगड़े पड़ा, फिर उससे भी निकल गया, तो ऐसा पूरा लाइफ का मतलब छोटे एज से बता रहे कि भाई 10 साल में क्या क्या टाइम आया, क्या क्या फेस किया, क्या क्या चीज़ें हुई। आजकल मैं दिमाग मेरा शांत लगता जैसे हूँ हिमाचल में, खुदा की बात सुनता इकलौता रैपर मैं, मुझे जन्नत मिला यहाँ इसलिए खारा नहीं हूँ एप्पल में। हाय ओके लाइफ में एस्केप कर रहा था लोस, बदला पर्सपेक्टिव और एंटर किया नया जोन, शिफ्ट करा माइंडसेट अब खुद पे कंट्रोल, अल्टरनेट ऑप्शन सीधा डिलीट मार दे ब्रो, बताओ कि वी आर द यंग गॉट्स। एक ही ऑप्शन भाई, अल्टरनेट कुछ नहीं रखना, अल्टरनेट रखोगे तो सक्सेस होने वाली नहीं है भाई, एक पकड़ लो उसमें 100% तीन में, क्योंकि असल
मेरे अबू ऊंची जीन्स में थोड़ा कामयाबी हासिल तो बंदे करते टॉक पोजीशन नंबर वन बंद कर दिया मैंने नंबर लॉक इधर लॉक क्या बोले भाई आप कुछ नहीं मच इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल ये कोई होप्स नहीं तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं हेलो एल बाकी तेरी लेकिन ये कोई जोक नहीं जो खुले आम आके बोले लोग फैला रहे होप्स भाई बाबू सुन क्या बोला तू कुछ आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करने को इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल का फैला है अफवा ये अफवा नहीं है तूने किया वो करा मैं खुद की मर्जी के मालिक हम लेबल से हमने तेरी चंक हुआ तू शार्प भाई तू स्मार्ट बन साइनो के लाला तेरे हो गए ले आग बंद बना तो बात बन शाने सारा स्मार्ट बन क्या बोल रहा सोच के बोल थोड़ा कर दे बात बंद चार जन आएंगे मिलाने तुझसे हाथ जब तू पहुंचेगा टॉप फिर बनेंगे तेरे वो बाप मुझे तो कहना ये बात था कि हाथ मिला के चलने में कोई बुरी बात नहीं है लेकिन हाथ मिलाते वक्त पेपर पे तेरी बात नहीं है तो फिर साइन नहीं करना कॉम्प्रोमाइज करके साइन नहीं करना लोगों को सही ज्ञान दे बे इंडिपेंडेंट और लेबल की बातें कंबाइन नहीं करना सबसे ज्यादा हर फैमिली में मालूम नहीं देखो सब अलग से चलती है अलग से चलना ही पड़ता है पूरी फैमिली बेटा उसी से जलती है उसे नहीं फर्क पड़ता बिल्ली उसे बस उसने बोला था भाई एक फैमिली में एक बंदा होता है वो अलग से चलता है तो ये सोचता है लोगों को लगता है ये वो बहुत ये फलान ढिमकान बातें किया था तो उसने बोला भाई जो अलग से चलता है उसका अलग जोन था वो अलग बाद में वो अलग जो चल रहा ना वही फिर बाकी सबको जोड़ के साथ में लेके आगे बढ़ता है भाई चलना पड़ता है कभी कभी अलग होके चलना पड़ता है मतलब अगर आपको वो एक ईट बनना है ना अपनी फैमिली का जो नेक्स्ट लेवल पे लेके आ रहा है अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हर चीज़ के मामले में तो आपको वो एक ईट बनना पड़ेगा वो एक जड़ बनना पड़ेगा एक झड़ बनना पड़ेगा अपने जोन से अपनी फैमिली थोड़ा सा हर्ट करता कि आपका आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच सको और जा सको जी भी बोलता हूँ खुद पे बिलीव उसे देखा के ना कर रहा अचीव उसे देख दिखेगा नहीं पे बदीर अकड़ है छोटे ये अकड़ नहीं पकड़ है पैसे लगा के बढ़ाएंगे स्ट्रीम्स बटन ये पकड़ का टक्कर सारा इतसाल से इतसार है आपसे पकड़ नहीं पा रहे मुझे पा रहे कॉम्पिटिशन कोई नहीं मेरे सामने ड्रामे नहीं करे मुझे काम है बुरा लगेगा रे दूजे मुंह पे मैं कोल जब भी बोले बाहर गाओ के कहता है डिफरेंट है वाइब जब भी तू घुसता है बूथ मैं कहता बनता है और एमीवे मेरे दो दो है रूप बोल से ये स्मोक तो मैं स्नूप हर गाना बस तो ऑन लूप कैसा ही में भी चाहिए प्यार मोहब्बत में वो स्नूप डॉग पास करता ना तो कुछ चाहिए एकदम प्यार मोहब्बत तो बहुत प्यारे अपन लेकिन तू भिड़ना चाहेगा तो फिर हर गाना बोले तो हो हम वन साइड इंडस्ट्री में बिना कोई हैंडशेक्स शेक के पास बॉलीवुड खानों के जैसा फैन बेस जाते जाते एक बात और बोलूंगा एक मान पुरुष ने एक बात बोली थी तुम्हें अगर किस चीज के बारे में मालूम बात नहीं है तो उस चीज की यार बात मत करो और वो मान पुरुष मालूम है ना मान पुरुष भाई साहब बहुत शॉर्ट वर्ड दिए क्या बादशाह को आपको पता ही है कि वो उसको पैसा वैसा खर्चा करके व्यूज चाहिए होते हैं तो वैसा ना अभी रिसेंटली दिखा था आप लोगों को ये कृष्णा के केस में भी दिखा है तो वैसा पब्लिक मतलब पैसा देकर ये व्यूज लेती है यहाँ वहाँ से आप लोगों को पता होगा बट ये ऑर्गेनिक व्यूज से ऑर्गेनिक बंदे और हार्ड कोर फैन और भी रीजन है उसका इंडिपेंडेंट बंदा और स्टार्टिंग से तो अपना जो लेबल है ऑफ इंडिपेंडेंट को मिक्स मत कर कुल मिला के बात ये है फिर बहुत सारी बातें की भाई फैमिली से लेकर घुमा के फिरा के बहुत चाँव चाँव कटा और उसको मैं बोला ना स्टार्टिंग में उसको आदत है कहीं पर भी आएगा ना मुँह खोल के मतलब कुछ भी बस बोलना है मुझे पता है मुझे सब पता है मुझे सब पता है मुझे इसका ही पता है मुझे उसका ही पता है मुझे ये भी पता अभी नहीं पता मतलब यार बस यार जितना पता उतना ही बोलना चाहिए नहीं पता तो वहाँ पे शांत रह के समझने का सुनने का रिस्पेक्ट करने का छोटा बोले बड़ा बोले सबका सुन के सीखने का लेकिन उसको ऐसा है कि भाई मेरे को बोलना है और मैं एकदम ऐसे करके बोलूँगा जितने किंग बादशाह नाम रखने से हो जाते क्या यार और नाम देखो ना भाई किंग बादशाह लिखने किंग एक तो बादशाह है लेकिन यार सीन क्या है यार नाम से क्या होता है भाई नाम मतलब तुमने कर लिया लेकिन यार जो चीज़ नहीं है तुम्हारा जोन ना तुम उस अपने जोन में रहो और फिर सामने वाले किसी के जोन में घुस के उसके बारे में भाई ये ऐसा नहीं है ऐसा बोल रहा था वो वैसा नहीं है उसमें नहीं बोलने का तुम अपना खेलो अपना रिस्पेक्ट रखो सामने वाले की और बंदे ने बनाया अपने दम पे भाई इंडिपेंडेंट है वो हक के और उसके बाद पब्लिक भी वैसे खड़ी है सबके सब कट्टर ना पब्लिक एकदम तो है वो वैसा बंदा तुम अपनी क्राउड में खुश रहो अपनी पब्लिक साथ खुश रहो और फिर फालतू में यहाँ वहाँ फालतू किसी के बारे में कमेंट करोगे तो फिर थुकोगे ना तुम तो हो भी नहीं भाई आसपास कहीं पर ही मतलब डिवाइन जैसा बंदा पिट गया भाई रफ्तार रफ्तार कोई कम नहीं है भाई आप लोगों को पता अपन भी बहुत टाइम उसका बहुत सॉन्ग सुने बंदा अच्छे गाने बनाता है मस्त काम करता है दिल से यार फालतू में वो बना बना के बात करना बेकार है वो फेक चीज़ नहीं करना है तो मतलब आप समझ रहे हो ना यार अच्छा रैपर है बादशाह भी अच्छा रैपर है लेकिन यार सामने किसके है ना वो मैटर करते हो किससे भिड़ रहे हो क्या कर रहे हो फिर किंग तो फिर मतलब कहीं नहीं लगता वो आएगा तो क्या चुंगम है भाई वो चबाओ भागे तो मेरे ख्याल से वो टिकेगा ही नहीं एक दो राउंड में ख़त्म है
मतलब डिवाइन का रफ्तार का काफी लंबा चला, क्योंकि उन लोग है भी वैसे, बादशाह भी बहुत ही दूर दूर है, ठीक है। डिवाइन और बादशाह रफ्तार की बात करना चाहूंगा, इन दोनों बहुत कट्टर प्लेयर थे, इन दोनों का काफी बिल्ला लफड़ा चला भी, एमसिस्तान का भी एक टाइम पे था, बट इन दोनों की बात करूंगा, बहुत बिल्ला खतरनाक किस्म का लफड़ा चला, वो भिड़ने लायक ही नहीं है, मतलब बादशाह और फिर डिवाइन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्या भिड़ेगा इन लोग, नहीं है भाई भिड़ने से बंदिश नहीं, और फिर एक दो राउंड बस वही है, कुछ ना कुछ बोल देगा उसको, तो वो बिल्ला एकदम भैरा राफा ऊपर दो दिन पड़े आएगा, उसका शांत बैठेगा, कुछ भी नहीं यार, दूध पावे लोग, दूध पावे, ठीक है। तो बहुत कड़क सॉन्ग था यार, मतलब रिप्लाई दिया भाई कुल मिला के, मत देखो पॉडकास्ट सर दे रहे, तो फालतू में टाइम वेस्ट है, मैंने तुमको बता देना कुछ थोड़ा बहुत वैसे ही सीन है, कुछ नहीं, फालतू में जाके चाँव चाँव करते हैं यहाँ, बाकी चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करें, और यस नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दे, और एक एक सब्सक्राइब है मेरे लिए इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा आपसे, सो यस वीडियो आते देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय। Thank you.